नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल ट्रीटमेंट विद होम्योपैथी में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अनिल कश्यप। दोस्तों, आप में से अगर किसी को ऑटोरिया की समस्या हो गई है, आपको कान बहने की समस्या हो गई है, जो आपका कान है वह बहता है बहुत लंबे समय से, अगर आपका कान बह रहा है तो उसको ठीक करने की कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हम आपको बताने वाले हैं, जिनकी सहायता से अगर आपको कान बहने की समस्या है, चाहे कितने सालों पुरानी क्यों ना हो, तो इन मेडिसिन की सहायता से आप उसको परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑटोरिया के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे कान बहने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, ऑटोरिया के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, और इसमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और किस प्रकार इसको होम्योपैथिक दवाओं से पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं, इसी के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। बताना चाहूँगा, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि चैनल से जुड़ी हर नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ऑटोरिया किसे कहते हैं। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति का जो कान है वह बहता है, कान से मवाद आती है, जो मवाद है वह कई बार गाढ़ा हो सकता है, जैसे बलगम, गले से बलगम आता है, जैसे नाक से गाढ़ा बलगम आता है, इस प्रकार से ही कान से बलगम आता है, तो उसको कान बहना कहा जाता है। कभी कभी ये पतला हो सकता है और कभी कभी गाढ़ा हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन को ऑटोरिया या कान बहना कहा जाता है। दोस्तों, बात करते हैं इसके कॉजेस के बारे में, ऑटोरिया या कान बहने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जो सबसे पहला कारण होता है ओटाइटिस मीडिया। दोस्तों, ओटाइटिस मीडिया अगर किसी व्यक्ति को हो गया है, जो कान का मिडिल भाग होता है, वहाँ किसी प्रकार का अगर इन्फेक्शन हो गया है, किसी प्रकार का संक्रमण हो गया है, तो उसके वजह से जनरली लोगों में कान बहने की समस्या देखने को मिल सकती है। दोस्तों, इसका अगला कारण होता है होल इन ईयर ड्रम। दोस्तों, जो ईयर ड्रम होता है, जो कान का पर्दा होता है, अगर उसमें कोई सुराख वगैरह हो गया है, उसमें छेद वगैरह हो गया है, तो उसके वजह से लोगों में कान बहने की समस्या देखने को मिल सकती है। दोस्तों, जो इसका अगला कारण होता है, अगर किसी को ईयर इन्फेक्शन हो गया है, किसी प्रकार का कान में संक्रमण हो गया है, तो उसके वजह से ऐसा हो सकता है, या कान में किसी को ईयर इंजरी की समस्या हुई है, कान में किसी प्रकार की चोट लग गई है, तो उसके वजह से भी इस प्रकार की समस्या देखने को मिल सकती है, कान बहने की समस्या उसके वजह से हो सकती है। या किसी को ईयर बैग्स की समस्या हो गई है, बहुत लंबे समय से और बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर किसी को ईयर बैग्स हो गया है, कान में मैल इकट्ठा हो गया है, तो उसके वजह से भी लोगों में कान बहने की समस्या देखने को मिल सकती है। या जो लोग स्विमर वगैरह होते हैं, जो तैराक वगैरह होते हैं, अगर कान का बाहरी भाग होता है, वहाँ पर अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए, तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों, ये जनरली कुछ कारण थे जिनकी वजह से लोगों में कान बहने की समस्या देखने को मिल सकती है। तो बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। तो ऑटोरिया के केस में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो कान से मवाद आती है, जो मवाद है कई बार गाढ़ी हो सकती है या पतली हो सकती है। कान से स्मेल वगैरह आ सकती है, कान से बदबू आ सकती है, अगर किसी का कान बहता है, तो बहुत लंबे समय से जनरली लोगों में इस प्रकार की दिक्कत देखने को मिलती है। कान से मवाद आता है, जैसे 10-15 दिन हो गए, महीना भर हो गया, या बहुत से लोगों में कई सालों पुरानी भी ये समस्या हो जाती है। कान में खुजली वगैरह भी इसके वजह से हो सकती है। तो ये 2-4 सिम्टम्स हैं जो जनरली ऑटोरिया या कान बहने के केस में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन है जिनकी सहायता से आप इसको पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं परमानेंटली। तो दोस्तों, जो पहली मेडिसिन है पल्सा टिल्ला 30। दोस्तों, पल्सा टिल्ला जो मेडिसिन होती है, एक्यूट अगर किसी को ऑटोरिया की समस्या, अगर किसी को हाल फिलहाल में ऑटोरिया की शिकायत हो गई, कान बहने की समस्या हो गई है, तो ऐसी कंडीशन को ठीक करने का काम पल्सा टिल्ला मेडिसिन का होता है। दोस्तों, जो पल्सा टिल्ला मेडिसिन होती है, अगर किसी को कान से पीला मवाद आ रहा है, सफ़ेद मवाद आ रहा है, या हरे कलर की मवाद आ रही है, तो उसको ठीक करने के लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन पल्सा टिल्ला 30 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार ले सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें अगली मेडिसिन के बारे में, तो दोस्तों जो अगली मेडिसिन है हीपरसॉल्ट 30। दोस्तों, ये भी कान बहने की बहुत ही ज़्यादा अच्छी और इफेक्टिव दवा है। अगर किसी को लंबे समय से कान बह रहा है, पुराना अगर किसी को कान बहने की शिकायत है, और खासकर कान बहने का जो कारण है, अगर किसी को ईयर ड्रम में होल हो गया है, जो कान का पर्दा है उसमें छेद हो गया है, उसके वजह से अगर किसी के कान से मवाद आ रही है, तो ऐसी स्थिति को ठीक करने के लिए आप हीपरसॉल्ट 30 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार ले सकते हैं। तो बात करते हैं अगली मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों, जो अगली मेडिसिन है साइलिशिया 30। दोस्तों, जो साइलिशिया मेडिसिन होती है, ये भी कान बहने की बहुत ही ज़्यादा अच्छी और इफेक्टिव दवा है। खासकर जो कान बहने का कारण है, वो कैलीज ऑफ ईयर बोन है, जो कान की हड्डी होती है वह अगर गल रही है, उसकी वजह से अगर कान से मवाद आ रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन साइलिशिया 30 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार ले सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं अगली और लास्ट मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों, जो अगली मेडिसिन है टेलुरियम 30। दोस्तों, जो टेलुरियम मेडिसिन होती है, ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी और इफेक्टिव दवा है। अगर किसी को क्रॉनिक ऑटोरिया की शिकायत हो गई है, बहुत लंबे समय से अगर किसी का कान बहता आ रहा है, बहुत सारी मेडिसिन का आप इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन आपकी परेशानी ठीक नहीं हो रही है,
तो ऐसी कंडीशन को ठीक करने के लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन टेलोरियम मैट 30 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी दो दो बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार ले सकते हैं। तो दोस्तों कुछ मेडिसिन थी जिनकी सहायता से अगर आपको ओटोरिया की समस्या हो गई, आपका कान बहता है, बहुत लंबे समय से कान बह रहा हो, या हाल फिलहाल में आपका कान बहना स्टार्ट हुआ हो, बहुत सारी मेडिसिन का आपने इस्तेमाल कर लिया हो, आपकी परेशानी ठीक नहीं हो रही हो, जो कान बहने की समस्या है आपको हो, आपके परिवार में किसी को हो, आपके रिलेशन में किसी को हो, तब आप उनके लिए इन मेडिसिन का सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको खुद को ये परेशानी है तब आप अपने लिए इन मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।